मुझे आ गई थी छींक, तो मैंने कर दिया था फ़ोन बंद। अब ये है जी जुकीनी, जिसे हम कहते हैं तोरियां, और तोरियां जो हैं ये इन्होंने, ये देखें आप, ये इस तरह इन्होंने ऐसे ही कद्दूकश करके नूडल्स जैसा बनाया हुआ है, और लोग इसी को खाते हैं और इसी को पसंद करते हैं। और यहाँ पे जनाब अली ये रखा हुआ है इन्होंने सलाद मिक्स रखा हुआ है, इसमें जनाब गाजर है और बंद गोभी है, पत्ते हैं, पालक है, और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे सलाद मिक्स करके इन्होंने ये देखिए ये रखा होता है, अगर आप करीब से देख सकते हैं। इसमें सुरख वाली कैबेज भी है, बंद गोभी है, हरी वाली भी है, और इस तरह से इन्होंने ये देखिए ज़रा इस तरह, ये होता है कि सलाद आपको बहुत सारी चीज़ें ख़रीदनी नहीं पड़ती, तो आपको मिल जाती हैं और आप खा लेते हैं आराम से। यहाँ आ गई जी सुरख शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च, ये ऊपर उन्होंने सुरख और पीली इकट्ठी करके रखी हुई है। यहाँ पे ये शिमला सब्ज़ मिर्चें लगी हुई हैं, यहाँ पे ये मशरूम लगे हुए हैं, ऊपर ब्राउन मशरूम लगे हुए हैं, यहाँ पे कटे हुए मशरूम लगे हुए हैं, यहाँ पे बड़ी सारी ये मिर्चें लगी हुई हैं। ये सारी हरी मिर्चें हैं, हरी मिर्च के डिफरेंट डिफरेंट मुख्तलिफ मुल्कों की हैं, ठीक है जी। ये देखें ये भी हरी मिर्चें ही हैं, जो उसके शिमला मिर्च जैसी लग रही है, लेकिन ये कि ये शिमला मिर्च नहीं है और ना ही ये स्पाइसी है। तो ये भी शिमला मिर्च मोस्टली जो लोग शवरमा, और ये जो मिर्च है ये मैक्सिकन लोग इसको खाते हैं, और ये खासी तीखी होती है, पर इसका जो टेस्ट है वो हमारी हरी मिर्च जैसा नहीं होता। अब ये जो मिर्चें हैं ये बनाना पेपर कहलाती है, और ये बड़ी तेज़ होती है, और ये छोटी सी होती है जैसे फूल बना हुआ हो, पर ये तीखी बहुत होती है। तोबा तोबा तोबा, ये अगर आपने खा ली तो कुछ ना पूछें फिर। हाँ अच्छा जी, यहाँ जो है ये ब्रोकली लगी हुई है, ये भी एक तरह का सलाद लगा हुआ है, वो भी सलाद के पत्ते लगे हुए हैं, यहाँ भी सलाद के पत्ते लगे हुए हैं, ये डिफरेंट किस्म के सलाद के पत्ते लगे हुए हैं। यहाँ पे ब्रोकली इन्होंने छोटी छोटी एक एक पैकेट में करके रखा हुआ है, ना कोई इसको ख़राब करे ना कोई इसको ज़ाया करे, क्योंकि अक्सर लोग हाथों से ना इसको ख़राब कर देते हैं। अब यहाँ पर आ गई जी ये गाजरें लगी हुई हैं, और ये गाजर देखें, ये छोटी गाजर है, इसको बेबी कैरेट बोलते हैं, और ये सलाद में इस्तेमाल होती है, लोग अक्सर इसको ले लेते हैं घर में खाने के लिए। और यही गाजर जो है ये इन्होंने यहाँ पे, ये देखें ये इन्होंने काट के रखी हुई है, ठीक है। ये आप सलाद में डाल सकते हैं, आप कोई काबली पुलाव बना रहे हैं उसमें डाल सकते हैं, आपको क्रश नहीं करनी पड़ेगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये खाने के लिए इस्तेमाल होती है। ये सेलरी है जी, सेलरी का जूस पिया जाता है, और सैलरी सलाद में डाली जाती है, सूप में डाली जाती है, ये देखिए कैसे उन्होंने भर भर के लगाई हुई है। ये है जी गोंगलू, और ये है जी गोंगलू मैक्सिकन, मैक्सिको के। तो मैक्सिको के गोंगलू जो हैं वो आते हैं इस तरह से कि इसके ऊपर उन्होंने वैक्स चढ़ाई होती है, तो ये सारा साल भी ख़राब नहीं होते। यहाँ पर आ गया जी ये ग्रीन ऑनियन, और ऐ भूकां वाला जिन्हों प्याज कहते हो जी, ओह ये जी आ गया भूकां वाला प्याज। तो भूकाले प्याज नी इतें पूरा सीजन लगता है, बल्कि तुम इनू घर भी उगा सकते हो, ठीक है जी। तो एक हिसाब आ गए ने बाबे होरी कुछ खरीदन वास्ते, तो वो खरीद रहे हैं। तो अब जनाब आगे ये जो है ये भी एक तरह की सब्जी है, और ये चाइनीज़ लोग इस्तेमाल करते हैं। हरा धनिया जी यहाँ पर ऐसे मिलता है, और ये है जी $2 की एक गट्टी हरे धनिया की। और ये जब हम छोटे थे तो कभी हरे धनिया में ये चीज़ आ जाती थी तो अम्मा इसको निकाल के फेंक देती थी, कहती थी इसका जायका नहीं ठीक। लेकिन यहाँ पे आके ये सबसे ऊपर जो है ये जो है पार्सली, और ये लबनान के लोग जो हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं, और ये टेस्ट में थोड़ा सा तुर्श होता है लेकिन मज़ेदार होता है। यहाँ आ गया जी अपना शहज़ादा पुदीना, ये देखें पुदीने की पत्तियाँ, और खुशबू कोई नहीं है, क्योंकि कभी कभी आता है ये बगैर खुशबू के, पर जायका होगा इसका। ये भी है जी $2 की गट्ठी, तो एक गट्ठी आप देख लो उतनी है जितनी पाकिस्तान में है, ठीक है जी। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, लेकिन ज़रा सा भी इसमें खुशबू नहीं है। ये उगाएगा क्योंकि इसको मुझे उगाना आता है, तो मैं अक्सर ले कर ये घर ले जाके इसको पानी में इसकी जड़ें डाल दूँगी तो ये उगाएगा। यहाँ पर आ गई जी पालक, तो पालक देखें कितनी खूबसूरत है, नहायत नफीस और साफ़ सुथरी। और ये साथ में जनाब नीचे जो है ये कील है लगा हुआ, ठीक है, इसको लीक्स बोलते हैं ये जो है, और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, प्याज जैसा होता है, और इस ये सूप में डलता है, ये देखिए जी। अब ये जो है ये जी अनीस, फैनल अनीस, फैनल मतलब सौंफ, तो ये सौंफ की जड़ होती है, ठीक है जी।
और ये इस्तेमाल होती है जनाब अली सलाद में और सूप में। हमने देखा ये सौंफ अगर आप जो है उसको आप भिगो देते हैं और इसको पौधा बना लेते हैं तो इसकी एक जड़ निकलती है, तो ये फैनल जो है ये फैनल की जड़ है, अनीस फैनल, फैनल अनीस, अनीस सौंफ की जड़ है। तो ये जो सौंफ की जड़ है ये बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए और यहाँ पे लोगों इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आ गया ग्रीन केल, ये भी एक तरह का सलाद है लेकिन ये चूँकि पाकिस्तान में नहीं होता हमें नहीं पता, ठीक है। यहाँ पे ये सारा लगा हुआ है। अच्छा जी, ये आ गए लाल गोंगलू, ठीक है जी, और ये लाल गोंगलू जो है ये भी लोग लेके जाते हैं खाने के लिए। उसके बाद आ जाए हम अगर यहाँ पे तो ये आ गई जी बड़ी पालक, वो छोटी पालक दिखाई थी आपको, ये मैंने बड़ी पालक दिखाई आपको जिसको हम बोलते हैं जी चीरवी पालक, नहीं वो छोटी वाली चीरवी पालक थी, ये बड़ी वाली रेगुलर पालक है। यहाँ पे ये आ गई बंद गोभी, और यहाँ पे ये जो है इसको बोलते हैं आर्टी चौक, तो आर्टी चौक ये जो है ये भी एक तरह का फूल है और ये स्टीम करके खाया जाता है, ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है आर्टी चौक, ठीक है। ये बड़ी अच्छी और मज़ेदार सब्ज़ी है, तो मैं तो इसको अक्सर बनाती हूँ, कीमा भून लेती हूँ उसमें तीन चार सब्ज़ियाँ डिफरेंट डिफरेंट करके डाल देती हूँ, ये बड़ा मज़ेदार बन जाता है। अब जी आ गया जी ऊपर हमारा शहज़ादा साग, सरसों का साग ते नाल मकई की रोटी, तो ये जी साग है और साग का जी $2 का एक बंच मिल रहा है, तो ये देख लें आप सरों का साग बड़ी शानदार गंदलें ये देखें, तो ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे मिलता कुछ नहीं। अब यहाँ आ गई जी ये सुरख मर्च सुरख बंद गोभी और साथ में आ गई जी ये हरी बंद गोभी, तो ये देखें कितनी खूबसूरत लगी हुई है और कितने रिस्पेक्ट से इन्होंने, ये आप काउंटर देखें सर कैसे काउंटर में रखी हुई है, और ये कोल्ड काउंटर, ठीक है जी। अच्छा जी, ये ऊपर आ गई जी हमारी गोभी बंद गोभी, कितने प्यार से कितनी सफाई से उन्होंने इसके अंदर रखा हुआ है इसको, ये देखें ये चाइना की गोभी है और ये हमारी बंद गोभी है, ये देखें। अच्छा जी, यहाँ ये जो है ये भी एक तरह के गोभी ही है, ठीक है, इसको कहते हैं जी ब्रसल्स स्प्राउट, और ये बिल्कुल इसको दरमियान से काटते हैं और दरमियान से कट के इसको स्टीम देते हैं, और अगर आप देखें तो बिल्कुल ये छोटा सा एक जैसे गोभी शुरू होती है वैसे है, हमारे यहाँ जितना छोटा नींबू होता है ना उतनी ही है, ठीक है। यहाँ पे आ गई जी फलियाँ, ये फलियाँ पैकिंग में साफ हुई हुई हैं, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये बस यहाँ से ख़रीदें, ये ऑलरेडी धुली हुई हैं, कटी हुई हैं, पैकेट में हैं, आप इनको घर ले जाएँ और खाएँ आराम से पकाएँ। यहाँ पे आ गई जी तोरियाँ एक नस्ल की, ये दूसरी नस्ल की। यहाँ पे ऊपर आ गए गोंगलू, ये देखें जी गोंगलू, ठीक है जी, और ये आ गए जी बैंगन। अब बैंगन यहाँ पे आप देख लो जी कितना बड़ा बैंगन है, ओहो हो, ये कम से कम 1 किलो का एक बैंगन है, ठीक है। तो ये आ गए जी आपके बैंगन। यहाँ पे जी कच्ची हल्दी बड़ी इस्तेमाल होती है, तो ये है जी कच्ची हल्दी, ये लोग अक्सर यहाँ चूँकि सर्दी बहुत होती है तो आर्थराइटिस जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा है, तो ये जो कच्ची हल्दी है इसको लोग दूध में डाल के तो बॉईल करते हैं और फिर ये वाला दूध पिया जाता है। यहाँ पे फिर वही खीरे हैं, टमाटर हैं, कुछ और ये ऊपर चीज़ें पड़ी हैं, इसके बाद यहाँ पर नाशपतियाँ रखी हुई हैं, ये जनाब अली गाजरें हैं, ये सैलरी है, यहाँ पर ये है जी टोफू। तो टोफू एक तरह से दालों को रगड़ने के बाद उनका पानी निकाल के उनको इस तरह पैकिंग की जाती है जो कि मक्खन की शक्ल बन जाती है, अब नज़र नहीं आ रहा इसमें से। अच्छा जी, ये भी पैकिंग ऐसी है, तो ये बिल्कुल वैसा होता है, तो मैं एक दिन ये पका के आपको दिखाऊंगी कि टोफू की सब्ज़ी कैसे बनती है। ये भी टोफू है, ये चाइना से ही आता है और ये बड़ा मज़ेदार होता है, जो लोग सब्ज़ी जो लोग मीट नहीं खाते तो उनके लिए ये बेहतरीन ऑप्शन है। अब यहाँ पे आ जाएं जी, अगर कोई यहाँ पे रखा है जी अंगूर, और अंगूर देखें आप कितना बड़ा बड़ा है, तो ये अंगूर यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे सब्ज़ अंगूर रखा हुआ है इन्होंने, और ऊपर ये वही बेरीज़ हैं कुछ यहाँ पड़ी हैं, ये देखें ये है जी पाइनएप्पल, अगर आप काटना नहीं चाहते तो इन्होंने पाइनएप्पल को काट के टुकड़े करके इसके अंदर रखा हुआ है। तो वीडियो हो गई जी बड़ी लंबी, तो मैंने सोचा कि अभी यहाँ पे वीडियो ये ख़त्म की जाए, तो मैंने कुछ सब्ज़ियाँ आपको दिखाई हैं, बाकी फिर दिखाती हूँ इंशाल्लाह।